नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, ये हवाएं, ये वादियां और ये समुंदर तुम्हारा हो, जो तुम चाहो वो तुम्हें मिले और ये मंजर तुम्हारा हो। हमें तो हंस कर कबूल है मौत भी, हमें तो हंस कर कबूल है मौत भी, पर मेरे सीने में लगने वाला वो खंजर तुम्हारा हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, जैसा कि आपसे वादा किया था, एक इंडिया जीके की जो मतलब मॉडर्न इंडिया की है, और एक मिडवेल की, तो मैंने 3 घंटे की क्लास डाल दी थी, एक और डाल दूंगा मॉडर्न इंडिया की। इस हिसाब से मैं आपको मतलब टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक अच्छे लेवल की तैयारी करवा दूंगा एग्जाम तक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का बेहतरीन लेक्चर बिना टाइम जाया करे। तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों, एक एक क्वेश्चन एग्जामों में आया हुआ है, लेवल की चिंता मत करना। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अब बच्चों, अंग्रेजों द्वारा ना जिस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी ना, वो क्रांतिकारी कौन था? तो अंग्रेजों के द्वारा जिसको फांसी की सजा दी गई थी ना, वो था राजगुरु। कौन था बच्चों? इनके साथ है ना राजगुरु को, भगत सिंह को और सुखदेव जी को फांसी की सजा स्टार्टिंग में कहा गया 24 मार्च 1931 को दी जाएगी, बाद में भीड़ को बढ़ते देख 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी जाती है। और इस दिन ना कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में ना वो शहीद दिवस हो जाएगा, और 23 सितंबर को हरियाणा राव तुलाराम की याद में क्या बनाता है, ये हरियाणा का शहीदी दिवस हो जाएगा। किसका शहीदी दिवस हो जाएगा? हरियाणा। तो सारे याद रख लेना। हाँ, चंद्रशेखर आजाद को ना एलफ्रेड पार्क में, फरवरी में ना एलफ्रेड पार्क में ना चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से मुठभेड़ में ना लास्ट गोली बची थी, खुद को मार दी थी। कल्पना दत्त ये अलग क्रांतिकारी है। जतिन दास है ना, ये भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो हर ऑप्शन से आप अगर कनेक्टिविटी उठाने की कोशिश करोगे ना बच्चों, एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी रेलवे NTPC का जो कल को एग्जाम हुआ था ना, टोटल के टोटल क्वेश्चन डिटो आए हुए थे आपके कोर्स से। देख लेना, हर एग्जाम में आएंगे, किसी एक एग्जाम की तो तैयारी हम लेकर चल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्र सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो ये उपन्यास था बच्चों आनंद मठ। अब पूछोगे गुरु जी आनंद मठ किसका था? बंकिम चंद्र चटर्जी ना मिले तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का था आनंद मठ। और बच्चों इसमें ना किस विद्रोह का गुरु जी वर्णन किया गया था? सन्यासी विद्रोह का इसमें क्या किया गया था, वर्णन किया गया था? इसे बच्चों बंगाली भाषा का बाइबल भी कहा जाता है। बंगाली भाषा का एक एग्जाम में आया था, बंगाली भाषा का बाइबल किसे कहा जाता है? तो आनंद मठ को कहा जाता है सन्यासी। और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से क्या लिया गया था? वंदे मातरम लिखा गया था। और वंदे मातरम गुरु जी पहली बार कब गाया गया था? 1896 के ना कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। गुरु जी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमुल्ला खान ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गुरु जी वंदे मातरम की अवधि कितनी होती है? 65 सेकंड होती है। गुरु जी 65 सेकंड ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा 1 मिनट 5 सेकंड होती है। मैंने 65 सेकंड करवाया था एग्जाम में, 65 नहीं आया, 1 मिनट 5 सेकंड आया। आपके बोले गुरु जी उसने तो ऑप्शन में नहीं था, इनमें से कोई नहीं वाला कराए। अरे इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए बच्चों, 65 सेकंड 1 मिनट 5 सेकंड होते हैं। और राष्ट्रीय गान की अवधि पूछे तो मैक्सिमम 52 सेकंड, मिनिमम 20 सेकंड। तो ये याद कर लेना, रंग भूमि वगैरह ये मुंशी प्रेमचंद जी के होते थे। ठीक है, आगे ये आ गया ना, अपने उपन्यास आनंद मठ में, देखो ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? तो अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ना सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया था। एक ये लेटेस्ट एग्जाम में भी आया था, कौन से में आया था मैं आपको बताता हूँ,
ये सन्यासी विद्रोह वाला पूछा गया था, ये CHSL के एग्जाम में अभी लेटेस्ट भी पूछा गया था पीछे। तो ये सन्यासी विद्रोह है ना बच्चों, 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक हुआ था, 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह हुआ था। और आनंदमठ इसे बंगाली भाषा का बाइबल भी कहा जाता है। संथाल ये कोई बिलो का विद्रोह हुआ करता था, मेन आपको सन्यासी विद्रोह से साथ जाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापा मार आंदोलन, तो ये कृषक छापा मार आंदोलन ना ये तेलंगाना आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था। युद्ध में देखा ये तेलंगाना आंदोलन होता था, ठीक है, इसमें क्या था सबसे बड़ा कृषक छापा मार युद्ध देखा था। यानी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, यानी आजादी होने से पहले ना कौन सा आंदोलन चला था, तेलंगाना आंदोलन चला था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर किस आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापा मार युद्ध देखा गया, तो ये कौन सा आंदोलन होता था, तेलंगाना आंदोलन में देखा गया था। ये भी बच्चों बहुत एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो अरविंद को बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, अरविंद का ये ना एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा गया था, ये मतलब CPO के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इनको ना बच्चों किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, इनको ना अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। 1908 में इन्होंने अनुशील समिति की क्या की थी स्थापना, तो अलीपुर बम मामले में देखो ऐसे अरविंद और ऐसे अलीपुर बम मामला। और बच्चों आपसे एक पूछे ना अरविंद घोष किस दल के नेता थे, तो ये गरम दल के नेता थे। अरविंद घोष किस दल के नेता थे, गरम दल के। बच्चों का ना गरम दल नाम आते ही ना लाल बाल पाल याद आता है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अरविंद घोष ये भी गरम दल के प्रमुख नेता होते थे। लाहौर षड्यंत्र केस है ना, इसमें भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। काकोरी कांड है ना, ये 1925 में हुआ था, इसमें अशफाकुल्ला को भी फांसी दी गई थी। कोल्हापुर बम मामला अलग था, तो अलीपुर बम मामले में ना अरविंद को गिरफ्तार किया गया था, ये याद कर लेना। आगे आता है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में किसने स्वीकार किया था, 1857 का संग्राम राष्ट्रीय विद्रोह था। अब मैं बताता हूँ यहाँ से रिलेटेड 8-10 बातें बताता हूँ। 1857 की क्रांति का ना जो वैसे तो बहुत कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण होता था चर्बी वाले कारतूस होता था। तात्कालिक कारण क्या होता था, चर्बी वाले कारतूस होता था। और 1857 की क्रांति के टाइम में ना जो गवर्नर जनरल होता था ना वो लॉर्ड कैनिंग होता था। उसके बाद 1858 में गवर्नर जनरल का स्थान किसने ले लिया था, वाइस राय ने ले लिया था। और ये पहला वाइस राय भी होता था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड डलहौजी है ना, इसके ने लेफ्ट की नीति चलाई थी, थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन, उसके कारण भी 1857 की क्रांति हुई थी। एलनब्रो अलग है, लेकिन डिजरेली ने कहा था 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने माना था, डिजरेली ने माना था। और 1857 की क्रांति का ना प्रतीक चिन्ह क्या होता था, कमल का फूल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या होता था, कमल का फूल और रोटी होता था। और 1857 की क्रांति को ना डिजरेली ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था। अंग्रेजों ने इसे महज क्या माना था, सैनिक विद्रोह माना था। तो एक अंग्रेज का नाम जिसने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना था, और कौन सा भारतीय था, वीर सावरकर ने ना अपनी पुस्तक था वो वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, यानी इसे वीर सावरकर ने क्या माना था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था। किस क्रांति को माना था, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने माना था, वीर सावरकर ने माना था। और अंग्रेज का नाम पूछे तो किसने माना था, डिजरेली ने इसको माना था, ये याद कर लेना बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आगामी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। और क्रांति की निर्धारित तिथि तो 31 मई 1857 की, क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, 10 मई 1857, कहाँ से क्रांति की शुरुआत हो गई थी, ये मेरठ से क्रांति की, यूपी मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। हरियाणा में अंबाला कैंट से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे आता है बच्चों, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी, तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना ना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। पहले ना बच्चों इसे भारत मित्र के नाम से जाना जाता था, 1899 बिना मित्र के नाम से जाना जाता था, और फिर इसी को ना अभिनव भारत का नाम दे दिया गया। ये पेपर में ना एक बार ये बच्चों CPO के एग्जाम में और एक बार CHSL के एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था।
पहले क्या था मित्र मेला था और बाद में कहते हैं 1904 में इसी का नाम क्या रख दिया गया अभिनव भारत रख गया। पहले मित्र मेला और 1904 में इसका नाम क्या कर दिया गया अभिनव भारत। विनायक दामोदर दास सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। बच्चों ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे आता है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहां पर भेजा गया। पहले तो बाल गंगाधर तिलक के विषय में आपको पता होना चाहिए, ये गरम दल के नेता होते थे, मराठा और केसरी इनका समाचार पत्र होता था। मराठा है ना बांग्ला भाषा का, और ये जो मराठा है ना इसकी भाषा पूछी जाती है अंग्रेजी भाषा का था, और केसरी है ना ये जो आपका इम्पोर्टेंट है मराठी भाषा का होता था, लेकिन मराठा किस भाषा का होता था अंग्रेजी भाषा का। और 1908 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें कहाँ भेजा गया था, मांडले जेल भेजा गया था। किस जेल भेजा गया था, मांडले जेल भेजा गया था। रंगून है ना 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को भेजा जाएगा, तो ये याद कर लेना इन्हें मांडले जेल भेजा गया था। सिंगापुर है ना ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित स्थान है, ठीक है, तो ये याद कर लेना। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में ना होम रूल लीग की भी स्थापना की थी, और 1 अगस्त 1920 को जिस दिन महात्मा गांधी ने ना असहयोग आंदोलन शुरू किया था उस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, और महात्मा गांधी ने ना इनके नाम पर एक तिलक कोष खोला था, और देखते ही देखते उसमें 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा हो गया था। आगे आता है लाहौर षड्यंत्र के मामले में किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, तो लाहौर षड्यंत्र मामला ये सरदार भगत सिंह के सरदार भगत सिंह या शहीद भगत सिंह के विरुद्ध दर्ज किया गया था। इसमें भगत सिंह ने किसको मारा था बच्चों, सांडर्स को मारा था। किसको मारा था, सांडर्स को मारा था। कब मारा था गुरु जी, 17 दिसंबर 1928 को मारा था, क्योंकि लाला जी की मौत हो गई थी 17 नवंबर 1928, और लाला लाजपत राय है ना साइमन कमीशन का विद्रोह विरोध कर रहे थे लाहौर में, तो एक कोर्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने इन पर लाठी के आदेश दे दिए थे, सांडर्स ने चलवाई थी। तो भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर, ये जो चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सांडर्स को मार दिया था, और भगत सिंह छिप कर मारने वालों में नहीं था। भगत सिंह तो वहां पर गिरफ्तारी दे रहा था, लेकिन इन्हें भगत सिंह को ना ये चंद्रशेखर आजाद वहां से ले आए, और भगत सिंह ने ना अपनी पार्टी के पर्चे बटवा दिए थे, हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया। अरविंद घोष है ना गरम दल के नेता होते थे, चंद्रशेखर आजाद को एल्फ्रेड पार्क में जो झड़प हुई थी उसमें मारे गए थे, खुद को गोली मार ली थी। और वी डी सावरकर ने ना 1857 की क्रांति को क्या कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, ये भी याद कर लेना बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे आते हैं नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो नौजवान भारत सभा है ना ये भी बच्चों सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी थी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, लेकिन भगत सिंह ने उसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी नाम दिया था, और इन्होंने नौजवान भारत सभा की भी क्या की थी, स्थापना की थी। तो बच्चों भगत सिंह तो अक्सर कहा करते थे भगत सिंह के सपनों का तो भारत है, पता नहीं कब बनेगा या नहीं बनेगा। भगत सिंह तो कहा करते थे इस कदर वाकिफ है कलम मेरे जज्बात से, इस कदर वाकिफ है कलम मेरे जज्बात से, मैं इश्क लिखता हूँ तो भी इनकलाब लिखा जाता है। तो कहते हैं मैं इश्क लिखना ना चाहूँ ना तो इनकलाब लिखा जाता है, और हमारे यहाँ क्या होता है इनकलाब लिखो तो भी इश्क लिखा जाता है, माजरा उल्टा है। तो यही तो हमारे और भगत सिंह के विचारधाराओं में अंतर है। आगे आता है निम्न में किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में सन फ्रांसिस्को अमेरिका में ना, लाला हरदयाल ने सन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में किस पार्टी की स्थापना की थी, गदर पार्टी की स्थापना की थी। वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और भगत सिंह है ना इनकी रचना मैं नास्तिक क्यों, चंद्रशेखर आजाद को ना ये फरवरी 1931 में ना एल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे, ये याद कर लेना। हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना सीख जाओ बच्चों। आगे आता है यूएसए में सन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की थी, नहीं ये जो आपका लाला हरदयाल जी ने की थी 1913 में, और 1913 में ही ना रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, गुरुजी किताबें बताती है हमें, गीतांजलि के लिए दिया गया था।
और बच्चों इनके साथी सदस्य में कौन होते थे? सोहन सिंह भाकना होते थे। उन्होंने एक गदर नामक समाचार पत्र भी निकाला था और रास बिहारी बोस भी इसके सदस्य होते थे। रास बिहारी बोस भी मैडम जी शादी कामा का भी संबंध गदर पार्टी से था, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता होते थे। लाला लाजपत राय भी गरम दल के नेता होते थे। सरदार अजीत सिंह का भी आजादी में योगदान था। आगे आता है निम्न में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के संबंधित थी? तो बच्चों ताना भगत आंदोलन है ना, ये जत्रा भगत का था। किसका था? जत्रा भगत का था। और ये आंदोलन है ना उराव जाति की थे। देखो अब बच्चों ने पढ़ा होता है ताना भगत आंदोलन की अध्यक्षता जत्रा भगत ने की थी और ये आदिवासियों का पहला आंदोलन था। ये किसका आंदोलन था? आदिवासियों का पहला आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन क्या होता था? आदिवासियों का पहला आंदोलन होता था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जत्रा भगत ने की थी। ओराव जाति से संबंध रखते थे। जब किस जनजाति का आंदोलन होता था? ओराव जनजाति का आंदोलन होता था। ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड है ना, एक बार एग्जाम में पूछा गया था ताना भगत आंदोलन से, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया था। बहुत बार ये बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ताना भगत आंदोलन वाला। तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी और ये है ना बच्चों दक्षिणी हिस्से में फैला था, भारत के दक्षिणी हिस्से में ताना भगत आंदोलन फैला था, ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? तो इन्होंने पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में ना दो अंग्रेज सिपाहियों को क्या कर दी थी? गोली मार दी थी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी? फांसी। और मंगल पांडे क्रांति का पहला शहीद था, गुरुजी पहला था। तो अंतिम कौन था? तात्या टोपे क्रांति का अंतिम शहीद बताया जाता है बच्चों, ठीक है। झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई में कानपुर, लखनऊ का बेगम अजरत महल में कानपुर का नाना साहब ने, यूपी मेरठ से क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। आगे आता है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतर्जन था। ये 1857 की क्रांति है ना, ये किस के कारण हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से संबंध। तो ये है ना बच्चों 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रशासनिक कारण क्या निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी से ना जो ताज है ना वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। यानी 1857 की क्रांति के बाद है ना कंपनी के शासन का क्या हो गया था बच्चों? अंत हो गया था, अब कंपनी का शासन नहीं चलेगा। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे ये ना बच्चों ये सही से फोटो नहीं लिया गया, ठीक है चलो देखते हैं। हाँ आगे आगे ना, बहादुर शाह जफर कौन होते थे? तो बहादुर शाह जफर है ना 1857 की क्रांति में भारत का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। तो बहादुर शाह जफर कौन होते थे बच्चों? ये अंतिम मुगल सम्राट होते थे। कौन होते थे? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होते थे। ये आपसे पूछा जा सकता है बहादुर शाह जफर कौन होते थे? अंतिम मुगल शासक होते थे। जैसे बच्चों अंतिम शक्तिशाली मुगल कौन होता था? औरंगजेब होता था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर रहेगा? औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहेगा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था, जफर नाम से जाना जाता है। और इस क्रांति के बाद इन्हें कहाँ भेज दिया गया? रंगून। को अंतिम मुगल बादशाह होते थे। इन्हीं के मकबरे के बाहर लिखा है कि कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये किसके मकबरे के बाद लिखा है? बहादुर शाह जफर के मकबरे के बाद कि कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो अंतिम मुगल बादशाह होते थे बहादुर शाह जफर। आगे आता है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग होता था। कौन होता था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग होता था। ये 1858 में ना गवर्नर जनरल का पद किसने ले लिया था? वाइसराय ने ले लिया था। तो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय कौन होता था? लॉर्ड कैनिंग होता था। लॉर्ड डलहौजी है ना इसने बच्चों इम्पोर्टेंट है लेप्स की नीति अपनाई थी और इसको ना रेलवे का जन्मदाता भी किसको कहा जाता है? डलहौजी को। लॉर्ड मेयो के टाइम में ना 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, मेयो कॉलेज अजमेर में है। रिपन को उदारवादी रिपन कहा जाता है। 1882 में इसी ने ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें क्या कहा था? उदारवादी रिपन। आगे आता है बच्चों कानपुर
कि गदर का कानपुर में गदर का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर में ना बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, नाना साहिब ने ना, और ये ताते टोपे मिलकर ना, नाना साहिब ने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ज्यादा है ना बच्चों, एक बार ना लखनऊ वाला पेपर में पूछा गया था कि लखनऊ में किसने किया था, लखनऊ में बेगम हजरत मेल ने किया था, कानपुर में नाना साहिब जो दोंटू पंथ से संबंध रखते थे। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था, आ गया ना, तो नाना साहिब का ना बच्चों दूसरा नाम क्या होता था, दोंटू पंथ होता था। ये भी बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या होता था, नाना साहब का दूसरा नाम क्या होता था, दोंटू पंथ कहा जाता था नाना साहब को। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने किया था, और बाद में साथ इनका तात्या टोपे ने दिया था, और तात्या ये बहुत बार एग्जाम में जो पेपर में पूछा जाता है। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जगदीशपुर ये पेपर में आता है। आगे आता है भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया, भारत में सिविल सर्विस का जनक है ना बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 में ना जब भूमि का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था ना, उसी टाइम ये मतलब क्या लेकर आए थे, सिविल सर्विस लेकर आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, ये बच्चों बंगाल के ना पहले गवर्नर माने जाते हैं। बाद में ना बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना भारत के पहले क्या होते थे, गवर्नर जनरल। तो ये याद कर लेना बहुत बार पेपर में पूछा जाता है बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस से भी क्वेश्चन आया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ना सती प्रथा को क्या घोषित किया था, राजा राम मोहन रॉय के साथ सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। तो पहला गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेंटिक होता था, और अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग होता था। और आज़ादी के बाद है ना एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी बने थे, अंतिम वायसराय है ना, आज़ादी के बाद दोबारा वायसराय का पद आ गया था, तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन होता था। तो ये थी आज की क्लास, और बच्चों इससे रिलेटेड है ना दुरीना पर HSSC का एक कोर्स चल रहा है, उसमें ना SSC लेवल तक की जीके है, हरियाणा और इंडिया का मिक्स, अच्छा लगे तो देख लेना। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।